بسم الله الرحمن الرحيم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم हर तरह की बुराई बुजुर्गी हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है जिसने हम तमाम लोगों को पैदा किया अशरफुल मखलूकात बनाया और इस रूए ज़मीन का खलीफा मुकर्रर करके हमें मबऊस फरमाया। बेशबहा दरूद व सलामती हो तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलात व सलाम पर, खुसूसन नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा के जिन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का आखिरी इमाम और अपनी वही का आखिरी तर्जुमान बनाकर भेजा और जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को उसके बंदों तक इंतहाई अमानत और दयानत के साथ पहुँचा दिया। दीनी भाइयों और दोस्तों, रिश्ते जिस्म में रूह की तरह होते हैं जो एहसास की डोर से बंधे होते हैं। ये डोर इतनी मजबूत होती है कि हर आने वाले रिश्ते को अपने अंदर पिरो लेती है और साथ ही इतनी कमज़ोर होती है कि जब टूटती है तो सारे रिश्तों समेत बिखर जाती है। हमारी ज़िंदगी में रिश्ते दो तरह के होते हैं, एक वो रिश्ते जो कुदरत की तरफ से बने बनाए मिलते हैं, जो मुस्तकिल और कुदरत की तरफ से अता करदा नेमत की तरह होते हैं, और दूसरे वो रिश्ते जो इंसान कायम करता है। ये रिश्ते टूट भी सकते हैं, उनमें से कुछ वक्त के साथ मुस्तकिल साथ चलते हैं और कुछ वक्त के साथ बिखर जाते हैं। रिश्तों की अहमियत को अगर समझा जाए तो उनकी हिफाजत बाग में लगे नाजुक फूलों की तरह करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी ज़रा सी कोताही उनको टहनी से जुदा कर देती है। रिश्ते खून के हो या मुस्तकिल, खारदार झाड़ियों की तरह होते हैं जो साए के साथ साथ ज़ख्म भी देते हैं। बनावटी रिश्ते तो मौसम की तरह बदलते रहते हैं, लेकिन खून के रिश्ते कफन की तरह ओढ़ लिए जाते हैं। रिश्तों का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम उन असबाब को तलाश करें जिनसे रिश्ते जुड़े रहते हैं। तो आइए आज के खुतबाए जुमा में हम उन अनासिर को बयान करने की कोशिश करेंगे जिनसे रिश्तों में मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, जिनसे रिश्तों का तवाज़ुन बरकरार रहता है। रिश्तों में मोहब्बत और उल्फत पैदा करने का सबसे पहला ज़रिया सलाम को आम करना है। सलाम रिश्तों में मजबूती पैदा करने का बहुत अहम ज़रिया है, बहुत बड़ा हथियार है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में फरमाया कि ला तदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनु, तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे यहाँ तक के तुम ईमान ले आओ। वला तुमिनु हत्ता तहब्बु, और तुम ईमान नहीं ला सकते यहाँ तक के तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो। क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ न बताऊँ कि अगर वो तुम करो
आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे, अफशु सलाम बैनकुम, और वो चीज़ ये है कि तुम सलाम को आम करो। यानी जब तुम सलाम को आम करोगे तो इससे रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी, और जब रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी तो तुम मोमिन हो जाओगे, और जब तुम मोमिन हो जाओगे तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो इस हदीस में सलाम की अहमियत बताई गई है कि सलाम से रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है, तो इसलिए सलाम को आम करें। लेकिन आम लोगों की तरह रिश्तेदारों में भी आम तौर पर इस अमल का फुकदान पाया जाता है। हमारे मुआशरे से यह सुन्नत भी उठी जा रही है, लोग एक दूसरे को सलाम तक नहीं करते हैं। अक्सर सुनने को और देखने में मिलती है कि फला मुझसे सलाम दुआ तक नहीं करता तो मैं उसको कैसे बुलाऊं, वो मेरे सलाम का जवाब तक नहीं देता है तो मैं उससे कैसे ताल्लुक रखूं, मैं उसे कैसे दावत दूं, यहाँ तक कि वो मुझसे सलाम का जवाब तक नहीं देता है। यानी सलाम का जवाब न देने की वजह से यहाँ पर रिश्ते टूट जा रहे हैं, सलाम का सिलसिला न होने की वजह से लोग एक दूसरे को दावत पर नहीं बुलाते हैं, एक दूसरे से रिश्ते और ताल्लुक ख़त्म हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो यही वो सलाम है जिससे दो बड़ी बड़ी कौमें सुलह पर आ जाती है और बाहमी उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाती है। आज क्या होता है हमारे माशरे में, सामने वाला मेरे सलाम का जवाब नहीं देता है तो मैं उसको दावत पर कैसे बुलाऊं, खुशी के मौके पर मैं उसको कैसे बुलाऊं, वो तो सलाम दुआ तक नहीं करता है, तो क्या होता है यहाँ पर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत पर अमल करें, आप मुआशरे का हर फर्द इस सुन्नत पर अमल करें तो मुआशरे में बहुत जल्द उल्फत और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आज लोगों के अंदर उल्फत और मोहब्बत नहीं है, आज रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, बस नाम का लोग रिश्ता निभा रहे हैं, अंदर में कुछ और है। तो अगर चाहते हैं कि रिश्तों में मोहब्बत हो तो सलाम को आम करें। उसी तरीके से रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का एक ज़रिया मुलाकात भी है। एक ज़रिया यह है कि आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे गुफ्तगू करें, उनके खुशी और गमी में शरीक रहें, उनसे अच्छा सलूक करें। इससे न सिर्फ ये कि ताल्लुक मजबूत होगा बल्कि रिश्तों में मोहब्बत पैदा होगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम में सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अनु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अनु के घर तशरीफ़ लाए, देखा अली रज़ी अल्लाह ताला अनु घर में मौजूद नहीं थे। पूछा कहाँ हैं, उन्होंने कहा कि मेरी और उनसे कुछ अनबन हो गई है, कुछ बहस हो गई है, वो मुझसे खफा होकर घर से बाहर चले गए, मेरे यहाँ उन्होंने कैरूला भी नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजा, कहा जाओ देखो अली कहाँ हैं। वो आदमी आया और कहा कि मस्जिद में लेटे हुए हैं। आप उठे, मस्जिद गए, अली रज़ी अल्लाह ताला अनु लेटे हुए थे, चादर उनके पहलू से गिरी हुई थी और जिस्म पर मिट्टी लगा हुआ था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिट्टी को झाड़ रहे थे और कह रहे थे अब उठो अबू तुराब। इस हदीस में आप गौर कीजिए कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर चल कर गए, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए जो मसला दरपेश था उनको हल किया। तो अगर आप अपने रिश्तेदारों के पास नहीं जाएंगे, उनके ऊपर क्या मुसीबत आन पड़ी है, उनके घर में क्या खुशी है, आप जानोगे नहीं। तो इस्लाम इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का हुक्म नहीं देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों गए थे बेटी के, दावत दी थी, कोई मकसद था नहीं, मिलना था, ये सिलसिला जारी रखें मिलने जुलने का, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये तरीक़ा है। तो आज हम लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को पसे पुश डाल दिया, जिसकी वजह से हमारे दिलों में रिश्तेदारों के तय उल्फत और मोहब्बत नहीं है। अक्सर देखने और सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर कैसे जाऊं, पहले वो मेरे घर आए उसके बाद मैं उसके घर जाऊं। सामने वाला भी यही कह रहा होता है, क्या होता है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पहले मैं ही क्यों, इस चक्कर में रिश्ते वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो आपका करीब ही होता है लेकिन अना की वजह से रिश्ते आगे नहीं बढ़ते।
मैं क्यों पहले जाऊं उसके घर, मैं तो उससे ज्यादा कमाता हूं, मेरे पास उससे ज्यादा दौलत है, मैं क्यों गिरूं, मैं क्यों झुकूं। कोई पहल नहीं करता। नतीजा क्या निकलता है? अच्छे अच्छे रिश्ते, माँ बाप के रिश्ते हो, बहन भाई के रिश्ते हो, चचा भतीजे के रिश्ते हो, सब मिनटों में खत्म हो जाते हैं इस आना की वजह से, किब्र और गुरूर की वजह से। मैं उससे ज्यादा कमाता हूं, मैं उसके सामने नहीं गिरूंगा। अरे हम उस नबी के उम्मती हैं, उस नबी को मानने वाले हैं जो इंतहाई खाकसार थे, जो इंतहाई मुतवाज़े थे। आप उनके साथ रिश्ते को जोड़ते थे जो आपके साथ कतअ ताल्लुक करते थे, जो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। आप उनके पास जाते, उनसे मिलते, उनसे ताल्लुक कायम करते। ये रिश्तेदारी नहीं है कि सामने वाला आपसे मिले तो आप भी मिलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिला रहम ये नहीं है कि कोई तुमसे रिश्ता जोड़े तब तुम जोड़ो, बल्कि सिला रहम यह है कोई तुमसे रिश्ता तोड़े तब तुम उससे रिश्ता जोड़ो। आज हमारे मुआशरे में यह चीज नहीं है। किब्र और गुरूर की वजह से रिश्तेदारों को हम छोड़े बैठे होते हैं, सालों साल छोड़े रहते हैं। पहले वो आएगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं। मैंने पहले कहा था, रिश्तों की अहमियत को अगर समझा जाए तो उनकी हिफाजत बाग में लगे नाजुक फूलों की तरह करनी पड़ती है। हमारी जरा सी कोताही टहनी से हमेशा के लिए जुदा कर देती है। रिश्ते बहुत हसास होते हैं, उनकी बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है, और शरीयत इस्लामिया में इसकी बड़ी अहमियत है। रिश्तों में मोहब्बत पैदा करें, उल्फत पैदा करें। उल्फत और मोहब्बत पैदा करने का एक जरिया यह है कि आप रिश्तेदारों के घर जाएं, उनसे मिले जुले, उनसे बातचीत करें। उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ उठने बैठने का मामूल बनाइए। ये चीज़ भी हमारे मुआशरे से ख़त्म होती जा रही है। एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लैट है हमारा, हम बस उसी फ्लैट और उसी घर में रहते हैं। बगल में हमारा पड़ोसी किस हाल में है, वो खा रहा है भी या नहीं, क्या मुसीबत है उनके घर, हमें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस अपना घर है, उसी घर में हमारी पूरी दुनिया है। सुबह ऑफिस जाते हैं, शाम में आते हैं, फ्रेश होते हैं, खा पी कर बस टीवी के पास बैठ जाते हैं, मोबाइल इंटरनेट और बीवी बच्चों में मशगूल हो जाते हैं। बगल का पड़ोसी मर रहा है, खाने खाने तड़प रहा है, भूख से तड़प रहा है। कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आती हो, हम अपना गेट नहीं खोलेंगे, दरवाज़ा बंद रहेगा, हमें किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। आप याद रखिए, इस्लाम इस तरह की ज़िंदगी गुजारने का हुक्म नहीं देता है, बल्कि पड़ोसियों का भी ये हक है कि आप गाहे बगाहे उनके पास जाएँ, उनके घर बैठें, उठने बैठने का मामूल बनाएँ। आप हफ्ते में किसी एक दिन मुकर्रर कर लें कि उनके पास जाना है, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा के लिए बैठना है, हाल अहवाल दरियाफ्त करना है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, इससे रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है जो आज हमारे मुआशरे में नहीं है। आज हमारे मुआशरे में नहीं है। सबको अपने अपने घरों से मतलब होता है। टीवी और इंटरनेट से मोबाइल में मशगूल इस तरह होते हैं कि सामने वाला कुछ कर रहा होता, हमें उसकी जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर शरीयत इस्लामिया की बात की जाए तो शरीयत इस्लामिया तो यहाँ तक कहती है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार मुशरिक भी हो तो तुम उनके पास जाओ, उनके साथ उठो बैठो, बातचीत करो, उसने सुलूक करो। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? उस शरीयत को मानने वाले, उस दीन को मानने वाले हैं जो हमें ये तालीम देता है कि अगर मुशरिक भी हो तो उनके साथ अच्छी गुफ्तगू करो, मीठी गुफ्तगू करो। वही जहादा काला अंतुशी कभी माला ही सला कभी इल। अगर तुम्हारे वालदैन शिर्क का तुम्हें हुक्म दे तो तुम उसकी बात न मानो, तुम उसकी बात उस वक्त न मानो। वला तुतीम वसाहिबहुमा फिद दुनिया, लेकिन हाँ, दुनिया में उनका ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, मीठी गुफ्तगू करो, उनके साथ उठने बैठने का मामूल बनाओ, खाने पीने का ख्याल रखो। मुशरिक है तो क्या हुआ, मुशरिक है तो क्या हुआ, एहसान उनके साथ भी करो। शरीयत ये इजाजत देती है, इस्लाम का यह तरीका है। हम और आप किसके तरीके को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके पर चल रहे हैं? हमारी हर चीज़ शरीयत से बिल्कुल हटकर है, इस्लाम के खिलाफ हम आप कर रहे हैं। पड़ोसी मुसलमान है, मोमिन भाई है, तौहीद परस्त है, उसके यहाँ जाने नहीं जाते हैं, उसकी खबर गिरी नहीं लेते, हाल दरियाफ्त नहीं करते हैं, तो हम क्या मुशरिक रिश्तेदारों के हाल अहवाल लेंगे? ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत दूर की बात है। अच्छे अच्छे रिश्तों को लोग आज ठोकर मार के बैठे हुए, एहसास नहीं है, रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आ रही है।
तो रिश्तेदारों के साथ उठने बैठने का मामूल बनाएं। उसी तरीके से रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका यह है कि आप बाहम तहाइफ दें एक दूसरे को। तोहफा और हदिया देना भी रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अपने साथियों को, अपने दोस्तों को मोहब्बत के साथ तहाइफ दिया करते थे, मोहब्बत के साथ तहाइफ दिया करते थे। और जब किसी को तोहफा दिया जाए, किसी को हदिया दिया जाए, तो उसे चाहिए कि वो उससे अच्छा वापस करे। चाँच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि वइदा हुज्जीतुम बितहियतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा अव रुद्दूहा, जब तुम्हें कोई तोहफा दिया जाए किसी की तरफ से तो तुम कोशिश ये करो तुम उससे अच्छा तोहफा उसको दो, उससे अच्छा तोहफा तुम उसको दो। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसनद अहमद में फरमाया, बहुत बेहतरीन और प्यारी हदीस है रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए, आपने फरमाया कि तहादो, तुम एक दूसरे को तोहफा दो, एक दूसरे को हदिया दो। फइन्नल हदिया तुज़हिबु ग़रज़ सद्र, क्योंकि हदिया और तोहफा देने से दिलों से कीना ख़त्म हो जाता है। आप सोचिए कितनी अहमियत है, आप छोटा सा हदिया दे रहे हो उससे दिलों का कीना ख़त्म हो जाता है, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। एक दूसरी हदीस में आपने फरमाया कि तहादो व तहाबो, कि तुम एक दूसरे को हदिया और तोहफा दो, नतीजा यह निकलेगा कि तहावो तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। और हकीकत भी यही है, अगर आपका किसी रिश्तेदार से कोई अनबन हो गई, कोई बहस हो गई हो, एक महीना दो महीना आप बातचीत ना हो, आपसे कोई रिश्ता ना हो, आप उनके अगर तोहफा भेजिए, देखिए उसके दिल में आपके तई मोहब्बत पैदा होगी। वो सोचेगा, लगता है कि उसने दुश्मनी ख़त्म कर ली तभी तो तोहफा भेजा। लेकिन आप शादी और दीगर खुशी के मौके पर मिठाई नहीं भेजते हो, उनके यहाँ तोहफा तहाइफ नहीं भेजते, सामने वाले को ये लगेगा उसने दुश्मनी पाल रखी है, दिल में कीना है, इसी वजह से उसने शादी के मौके पर मिठाई नहीं भेजी या किसी भी और मौके पर। तो अगर आप तोहफा तहाइफ का सिलसिला जारी रखोगे तो इससे मोहब्बत पैदा होगी, दिल में जो कीना होगा, कपट होगा, वो जाहिर ख़त्म हो जाएगा, खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। उसी तरीके से दावत ताम का एहतमाम करें, यह भी मोहब्बत पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया है कि एक दूसरे को दावत दें, अपने घरों पर बुलाएं। खुसूसत दावत वलीमा या दीगर खुशी के मौके पर दावत दें। हमारे मुआशरे में दावत सिर्फ शादी की दावत समझी जाती है, या किसी ने अगर अकीका कर ली तो वही दावत समझी जाती है। यह ज़रूरी नहीं है कि वही दावत हो, बल्कि छोटी मोटी दावत होनी चाहिए। आप अपने घर दो चार लोगों को बुलाएं, कभी चाय पर, कभी नाश्ते पर। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अपने साथियों और अपने अजीज़ों को अपने घर दावत ताम के लिए मदऊ किया करते थे। शादी ब्याह के मौके पर नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन वैसे भी रिश्तों में मोहब्बत पैदा करने के लिए एक दूसरे को घरों में बुलाते थे। और वैसे भी आप जानते हैं कि मुसलमानों का हक है, हक़ुल मुस्लिम अल मुस्लिम खमसुन, कि मुसलमान के मुसलमान पर पांच हक है, सलाम का जवाब देना, दावत कबूल करना जब वो दावत दे, और जनाजे के पीछे चलना। उसी तरीके से छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसके जवाब में या रहमकल्ला कहना। तो वैसे भी दावत कबूल करना मुसलमानों का हक है, तो एक दूसरे को दावत दे, मतलब छोटी मोटी दावत होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तरह तरह के खाने पकाओ उसके बाद अपने दोस्तों को दो, उतनी हैसियत नहीं है। अगर उतनी हैसियत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि नबी वसल्लम की हदीस पर अमल नहीं होगा। नहीं, छोटी मोटी दावत करें। अगर भाई किसी की शादी होती है, दो चार दोस्तों को अपने घर बुलाता है चाय पे नाश्ते पर, बहुत अच्छी बात है, गाय बगाए इस तरह बुलाना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ऐसे रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है। ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना, तो हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि यही चीज़ बड़ी दुश्मनी का बायस बन जाती है, दिल में कीना पैदा हो जाता है। ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ करते रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से जो अहकाम है उस पर अमल करते रहेंगे तो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत पैदा होगी, खुद ब खुद आपके दिलों में रिश्तेदारों के तई पैदा होगी, ताल्लुक़ मजबूत होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिरयानी पकाओ उसके बाद अपने दोस्तों को बुलाओ, कभी चाय पर, शाम के चाय पर, कभी नाश्ते पर, इस तरीके से करना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। उसी तरीके से
मेहमानों का खैर मकदम कीजिए। मेहमान की इज्जत और इकराम ये भी बाहमी मोहब्बत का ज़रिया है, यह भी बाहमी मोहब्बत का ज़रिया, बल्कि मेहमानों की इज्जत और इकराम अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की खास सिफत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इब्राहिम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी का जिक्र करके हमें बेहतरीन सबक दिया। मशहूर है उनके पास फरिश्ते आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी देखिए, फौरन गए, बछड़े को ज़बह किया, उसके बाद उनके लिए खाना वगैरह पेश किया। तो जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें सबक सिखाया है मेहमान नवाजी का। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन इरशाद फरमाया, आप सोचिए मेहमानों का इकराम इस कदर अहम है कि आपने हुक्मन इरशाद फरमाया कि मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़, जिस शख्स का अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान हो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे, मेहमान का इकराम करे, मेहमान नवाजी करे। और सही मुस्लिम के दूसरी हदीस में फरमाया कि जिस शख्स का अल्लाह और आखिरत पर ईमान हो चाहिए कि वो अपने मेहमानों की इज्जत करे, उसकी मेहमान नवाजी का एहतमाम करे, अच्छा खिलाए अपने हैसियत के मुताबिक। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसकी मेहमान नवाजी का एहतमाम कब तक करें? तो आपने फरमाया कि एक दिन और एक रात खास एहतमाम करो, फिर तीन दिन तक आम मेहमान नवाजी का एहतमाम करो, उसके बाद भी अगर वो तुम्हारे घर रहे तो वो सदका है। बहुत से मेहमान होते हैं जाने का नाम नहीं लेंगे आपके घर से, रहेंगे हफ्तों पर रहेंगे, उनको भी सोचना चाहिए, ऐसा नहीं, उनको भी सोचना चाहिए, सामने वाले की हैसियत को देखना चाहिए। अब बोझ बने बैठे हुए हैं तो ऐसा भी नहीं है, इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता है। तो आपने फरमाया कि जब तीन दिन हो जाए, तीन दिन तक रहे तो वो सदका है, वो तुम्हारा खा रहा है, तुम्हारे लिए ये चीज़ सदका है। तो अब ऐसा ना हो किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाए, अब बैठे रहे मिल रहा मुर्ख मुसल्लम तो हफ्ता दस दिन तक उड़ाते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपने फरमाया कि उसके बाद अगर वो करे तो वो सदका है। इसके बाद फरमाया कि जिस शख्स का अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान हो चाहिए कि वो अच्छी बात करे, भली बात कहे, वरना खामोश रहे, वरना खामोश रहे। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं कंजूस टाइप के, जो कभी रिश्तेदारों को अपने घर नहीं बुलाएंगे, बखील है, अल्लाह ताला को सख्त नफरत है ऐसे लोगों से, सख्त नफरत अल्लाह को बखीलों और कंजूसों से। तो कभी अपने रिश्तेदारों को घर पर नहीं बुलाएंगे, कभी अपने दोस्तों को घर पर नहीं बुलाएंगे, और अगर कभी उनके रिश्तेदार घर पर आ गए, अल्लाह अकबर, क्यामत टूट पड़ती है, परेशान, अब ये क्या हो गया, कंजूसी की हद देखिए, ऐसा लगता है उन पर क्यामत टूट पड़ी। एक तो खुद बुलाते नहीं है, जब आते हैं कोई रिश्तेदार तो परेशान हो जाते हैं, और ऐसा सुलूक करते हैं आने वाले रिश्तेदारों के साथ, अल्लाह अकबर, वो बेचारा जिंदगी भर उसके घर जाने का सोचता ही नहीं है। आप सोचिए यहाँ से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं या नहीं, दोबारा वो आपके घर आएगा, आपने उसके साथ अच्छी गुफ्तगू भी नहीं की, आपने उनके साथ बैठकर गुफ्तगू तक नहीं की, मेहमान नवाजी का छोड़िए, तो कभी वो आपके पास आएगा दोबारा, वो आपके साथ अच्छा रिश्ता रख सकता है, और आप उसके घर जाएंगे तो फूल लेकर आपका इस्तकबाल तो करने का नहीं करेगा ऐसा। तो इससे क्या होता अगर आप थोड़ी सी मेहमान नवाजी कर दे, बैठकर अच्छे से गुफ्तगू कर ले, इससे रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है। रिश्तों की अहमियत को समझिए, आज हमारे मुआशरे में हर शख्स के दिल में कीना कपट है, कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो एक दूसरे के खिलाफ कीना कपट नहीं रखा हो, मोहब्बत ही नहीं है, अल्लाह ने तो मोहब्बत पैदा कर दी थी। आज तुम लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, नेमत अल्लाह अलैकुम इज़ कुंतुम आदान, तुम लोग तो एक दूसरे के प्यासे थे, खून के दुश्मन थे, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दिया। आज कहाँ वो उल्फत और मोहब्बत है, आज उल्फत और मोहब्बत कहाँ ख़त्म हो गई, वहाँ तक महदूद थे, सहाबा किराम सल्फ सालिहीन के ज़माने तक महदूद थी वो मोहब्बत, हमारे दिलों से वो मोहब्बत ख़त्म हो गई। मोहब्बत पैदा कीजिए रिश्तेदारों के तहत, उसी तरीके से दीनी भाइयों और दोस्तों, उल्फत और मोहब्बत पैदा करने का एक तरीका ये है कि बड़ों की इज्जत करें, छोटों पर शफकत करें। आज ये चीज़ हमारे मुआशरे में नहीं है, थोड़ा पैसा कमा लिया, हम क्यों उनकी इज्जत करें, हम तो उनसे बड़े मालदार हैं, किब्र गुरूर आ जाता है, किब्र गुरूर आ जाता है, वो हमारे स्टेटस का नहीं, क्यों उसकी हम इज्जत करें, हमारे पास इतना माल है, इतना दौलत है,
बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। हाँ, उसी तरीके से छोटों पर शफकत नहीं करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद छोटों पर शफकत करते थे, बच्चों से प्यार किया करते थे, मीठी गुफ्तगू करते थे। और सहाबाए किराम को देखिए कितने बाअदब थे, कितने मुअद्दब लोग थे, अपने बड़ों की ताज़ीम किस तरह क्या करते थे। अल्लाह अकबर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम इतनी करते कि वुज़ू के बचे हुए पानी को ज़मीन पर गिरने नहीं देते, आपके सामने बैठते, खामोशी से बैठते, सब झुकाए होते। ये तो अदब का तकाजा था। आज हमारे अंदर बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है, हम बड़ों की इज्जत नहीं करते, बूढ़ों की इज्जत नहीं करते हैं, और न ही बूढ़े बच्चों के साथ शफकत करते हैं। बुढ़ापे में जाते हुए उनका लहजा बदल जाता है, मिजाज कड़ा हो जाता है, बच्चों से उस तरह की बात नहीं करते, नौजवानों से उस तरह से बात नहीं करते, बस बात वहीं से ख़त्म होती है। फिर वो नौजवान ही आपकी इज्जत नहीं करता, पहले आप खुद करें बच्चों की इज्जत, उसके बाद वो नौजवान आपकी इज्जत करेगा। और ये चीज़ हरगिज़ अपने ध्यान में न लाएं कि हमारे पास पैसा है तो हम अपने रिश्तेदारों को भूल जाएं, वो रिश्तेदार गरीब है, ये चीज़ नहीं लाएं, अल्लाह को बहुत नापसंद। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना, ऐसा शख्स जो किब्र और गुरूर की वजह से बूढ़ों की और बड़ों की इज्जत नहीं करता है और बच्चों पर शफकत नहीं करता है, तो ऐसे बदनसीबों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यरहम सगीरना वयारिफ हक कबीरना फलैसा मिन्ना, जो शख्स छोटों पर शफकत न करे और अपने बड़ों का हक न पहचाने, फलैसा मिन्नी, वो मेरे उम्मती से निकल जाए, वो मेरा उम्मती नहीं है। फलैसा मिन्ना, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मुझसे ताल्लुक रखना चाहते हो, बड़ों की इज्जत करो, बूढ़ों का अदब करो और छोटों पर शफकत करो, तब तुम मेरे उम्मती रहोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे रिश्तों में मोहब्बत पैदा होती है और रिश्तों की इस्लाम में बहुत अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी सिला रहमी करता है, उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जोड़ता है जो अल्लाह के बंदों के साथ सिला रहमी करता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इन सब चीज़ों को अपने मुआशरे में आम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुर रऊफुर रहीम।